जिला प्रशासन का प्रयास रंग लाया और जिले को शौच मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा कि जिले में निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। 85% शौचालय के फोटो अपलोड कर दिए गए हैं। डीएम ने बताया कि लक्ष्य पूरा होने के बाद शासन से 25,000 और शौचालय बनाने की अनुमति मिली है, उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों को खुले में शौच जाने के दुष्परिणामों को बताया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि वह शौचालय का ही प्रयोग करें। डीएम ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया, हम लोग का हर साल लक्ष्य तय करके हम लोग का इस साल तक 2018 अक्टूबर तक खुले में शौच मुक्त करना था। उसी के हिसाब से इस साल हम लोग 2.5 लाख शौचालय बनाए थे, पिछले साल भी 2.5 लाख शौचालय बनाए थे। उस हिसाब से जो संख्या के हिसाब से कितने परिवार है, उसी हिसाब से 2012 तक का हम लोग पूरा करा लिया। अभी भी हम लोग के पास कुछ परिवार, मान लीजिए 2012 के बाद जो नया परिवार है उन लोगों को छूटे हुए हैं, उन लोगों को 25,000 शौचालय अभी शासन से मिला है। उसको ODF डिक्लेयर होने के बाद 3 महीने के लिए समय होता है वेरीफाई करके छूटे हुए परिवार के शामिल करने के लिए। उस पर हम लोग लगे हुए हैं, अभी घर घर जाकर के सर्वे कर रहे हैं। इस पर छूटे हुए कितने परिवार हैं उन लोगों को भी शौचालय दी जाए, काम चल रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अभी 1 सप्ताह 10 दिन में फोटो देखिए छूटे हुए हैं। देखिए ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। शौचालय बनाना तो एक दिन का एक टाइम में तो फिक्स नहीं कर सकते हैं, ताकि जो हम लोग जो ODF डिक्लेयर किए हैं 2012 के हिसाब से डिक्लेयर किए, उसके बाद दो छः साल में 2018 तक बीच में जो 6 साल में हम लोग के अनुमानित 50,000 शौचालय 50,000 परिवार बढ़ गया है। उसी के हिसाब से हम लोग डिमांड भेजे थे, 25,000 का शौचालय और आ गया है। उसके अलावा हम लोग CSR फंडिंग के माध्यम से भी करीब 30,000 शौचालय हम लोग प्राइवेट के माध्यम से बनवाए थे। IGL कंपनी ने हम लोग स्पॉन्सर किए हैं और प्राइवेट कंपनी बहुत वाले स्पॉन्सर किए थे। अभी भी जो कितने जो डॉक्टर्स हैं यहाँ का जो ठीक ठाक लोग हैं उन लोग भी स्पॉन्सरशिप लेते हुए करवा रहे हैं उसको। तो ये प्रोसेस हम लोग का लगातार जारी रहेगा और भी पूर्वांचल में आप जानते हैं ये तो, ताकि शौचालय बनाना एक काम है बट उसका आदत बदलना एक बिल्कुल चुनौतीपूर्ण काम है। देखिए हम लोग शक्ति भी करेंगे, साथ साथ हम लोग का प्रयास ज़्यादा मोटिवेशन की तरफ से रहेगा, ताकि केवल शक्ति से ही ये काम नहीं कर पाएंगे। ताकि पहले भी ये विचार की गई थी उन लोगों का राशन कार्ड बंद की जाएगी, फिर उन लोगों को शक्ति कराई जाएगी, जुर्माना लगाई जाएगी। अब तो हम लोग तो फिर लोकतंत्र में है, वो तो शक्ति के भी एक सीमा होता है, शक्ति से नहीं हो पाएगा। हम कोशिश करेंगे ताकि यहाँ ज़्यादातर गाँव में ये समस्या आ जा रही है, अनपढ़ व्यक्ति कहाँ ज़्यादा है, जो उन लोगों का आदत बदलने में जो तकलीफ हो रहा है, कठिनाई हो रही है, उसको हम लोग एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग अगले 3 महीने के लिए हम लोग एक पूरा योजना बनाया, सुबह 6 बजे से लेके शाम तक का हमारा पूरा टीम जाएगा CLTS योजना के अंदर। उसको नुक्कड़ नाटक और सभा करा के उन लोगों का आदत बदलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसका प्रयास हम लोग जारी रखेंगे, ताकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं मीडिया से भी अपील करूँगा, आप भी साथ दीजिए, ताकि एक बड़ा जन आंदोलन है, बड़ा अभियान है। इस पर अकेले प्रशासन केवल रह के काम नहीं कर सकते हैं, सबका सहयोग से ही काम हो पाएगा। हमारा देखिए परिवार के हिसाब से लक्ष्य बदलता है। मान लीजिए अब तक का हमारा जनसंख्या तो पिछले 2011 के हिसाब से 60 लाख का है। मान लीजिए 60 लाख जनसंख्या के हिसाब से हमें शौचालय बनाना था, करीब 5,30,000 बनना था, और अभी तो 2012 के बाद हम लोग बेसलाइन सर्वे किए थे उस पर तो 50,000 और बढ़ गया। मान लीजिए 6 लाख के हिसाब से हम लोग को शौचालय और अभी बना करके तैयार करना था।